खींच सकते हो, पूरा पार्टी चल रहा है। हाँ हाँ पूरा एक बार स्माइल गुड। हाँ हाँ कॉल आ रहा है तो करते हैं, बाकी लड़कियों को नहीं करते। अरे भाई गजब यार, कर लेना यार। भरत भरत बहुत स्मार्ट। हाँ चितेज बोल के सब्सक्राइब कीजिए भाई। वो सब तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल MMM थ्री मोटर बाइक पे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे दोस्तों, मस्त होंगे हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों। तो दोस्तों आज क्या है, हमारे जितने भी क्लासमेट फ्रेंड लोग थे दोस्तों, जितने भी क्लासमेट बॉयस लोग थे अपन के दोस्त, उन सभी दोस्तों का दोस्तों आज क्या है, मीटअप है दोस्तों हमारे सीतापुर ब्लॉक के फेमस जगह पे दोस्तों। और आप सभी को पता है कि हमारे सीतापुर ब्लॉक का फेमस जगह कौन सा है, और नहीं पता तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप क्या है वीडियो पे बने रहिए और आप सभी को पता चल जाएगा कि हमारे सीतापुर ब्लॉक का फेमस जगह कौन सा है और हमारे मीटअप का लोकेशन कौन सा है। तो अरे इतना आप लोगों को कंफ्यूज में नहीं डालता हूं दोस्तों, सीधे से मैं बता देता हूं कि मंगरेलगढ़ में आज हम सभी क्लासमेट फ्रेंड दोस्तों का दोस्तों मीटअप है। तो ब्लेड भी हो रहा है दोस्तों, फील दिस मोमेंट। तो यार तो मेरे को फोन लगा के बहुत डांट भी रहे हैं दोस्तों कि अभी तक नहीं पहुंची, क्या करते वैसा करके यार, करते बताओ उन लोग को। तो मेरे दोस्त लोग बार बार क्या फोन लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी तक पहुंच क्यों नहीं रहे वो बोल के। तो मैं भी जल्दी पहुंचने का कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट यहाँ मैं पहुँच ही गया हूँ। भाई साहब अबे बहुत मुसीबत में पहुंचा हूँ मैं, जान रहा हूँ भाई। दादा का तो फिर भबक जाऊंगा, बर्तन में तो बस इतना उम्मीद है। तो बार बार फोन लगा रहा है ना, मैं तेरा फोन उठाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ दोस्तों, जहाँ मेरे दोस्तों क्या है प्लानिंग बनाया था कि यहाँ मिलना है करके। तो मैं उस जगह पे आ गया हूँ दोस्तों, और क्या है दोस्तों से मिल के दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी दिनों से दोस्तों उनसे क्या है मिल भी नहीं पाया था, और ये पूरे क्या है आज मीटअप है दोस्तों हमारे क्लासमेट बॉयस लोगों का दोस्तों, जो कि कुछ लोग आए हैं दोस्त लोग और कुछ लोग नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा तो दिल निराश है, बट क्या है सभी को आते हैं तो बहुत अच्छा रहता। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों से मिलाता हूँ दोस्तों, और हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। पूरा यहाँ आके हम लोग मस्ती कर रहे हैं दोस्तों, बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। इधर क्षितिज कुछ बोल दो भाई, हाय बोल दो क्षितिज। हेलो। हाँ ये हमारे क्षितिज है भाई। सागर हाय बोल दो भाई। इधर हाय हाय हाय। बाकी लोग भी इधर बहुत घूमने के लिए आए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इधर पूरा। तो दोस्तों अभी मेरे साथ एकदम क्लोज सागर जुड़ गए हैं, तो सागर कुछ बोल दो अपने दोस्तों को। हे गाइस नमस्कार, मैं हूँ सागर नायक, माइकल का दोस्त। जो आप सभी इसके यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए भाई। वो सब तो छोड़ो, बस आज इतना बताओ कि यहाँ आने के बाद हमको कैसा लग रहा है। यहाँ आने के बाद हमें अपना थोड़ा सा पुराना भाई गजब यार, अपना पुराना पल याद आ गया। जैसे हम पहले जीते थे, पहले हम जैसे दोस्त रहते थे, वो सभी चीज़ें याद आ गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आप सभी को भी यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, ताकि आप अपने पुराने पलों को याद कर सकें। और हम काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई सच बोलो ना, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है यार कि क्या बताऊँ। मैं क्षितिज को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो कि क्षितिज का प्लानिंग वो एक सेफ जैसे बावर्ची महाराज जो भी बोलिए आप, खाना काफ़ी अच्छा बना रहा है, तो इसका हम शुक्रगुजार हैं। बाकी इधर सुप्रीत फिर इधर सुप्रीत बहुत इंजॉयमेंट में है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो। हम लोग क्या है क्लास टाइम में दोस्तों इतना मस्ती करते थे कि क्या बोले, सखी है फुल सपोर्ट करिए तो। भाई थोड़ा वॉल्यूम तो कम कर लो ऊपर का।
बाकी दोस्त उधर क्या है, सिमोल लोग पूरा मस्ती कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, दिल खुश हो गया भाई। इतना इतना अंडा खा लोगे जी क्षितिज? क्षितिज क्षितिज का प्लानिंग है दोस्तों कि अंडा बनाएंगे करके, तो क्या है हम लोग भी बोले ठीक है अंडा ही बनाओ। ये दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्षितिज का इतना अच्छा अंडा बनाते हैं ना दोस्तों कि मत ही बोलो यार, क्या बोले इनके कुकिंग के लिए। क्षितिज का दोस्तों खुद का क्या है बिरयानी सेंटर भी है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है आप लोग देख ही सकते हो कितना बेहतरीन बनाया है। इधर क्या है सबको परोस रहे हैं क्षितिज, हमारे क्षितिज गुप्ता का यूट्यूब चैनल। हम लोग आए हैं यहाँ मंगरेलगढ़ जो कि बहुत अच्छा एक प्राकृतिक स्थल है, यहाँ बहुत आसपास के दूर दूर से भी लोग आते हैं और हम लोग भी आ जाए हैं पिकनिक मनाने। तो पहले तो आपको मुकेश ने सब नज़ारा दिखा ही दिया होगा कितना सुंदर है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ जब मौका मिले आप भी आए मुकेश माइकल का चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये अपना सिमोन दोस्त है दोस्तों, जो कि क्या है अपन क्या है क्लास टाइम में इतना मज़ा करते थे, इतना भाई मैं हर बात सिमोन से शेयर करता था, सिमोन भी अपना हर बात अपन के साथ शेयर करते थे। एक बात बताऊँ दोस्तों, जो कि सिमोन का इंस्टा आईडी है दोस्तों सिमोन लकड़ा करके, दोस्तों जाइए वहाँ सिमोन को फॉलो कीजिए दोस्तों, फॉलो बैक मिलेगा आपको भी। और दोस्तों ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इतना अच्छा शायरी बोलते हैं ना कि दिल छू जाता है भाई, क्या शायरी बोले हो ऐसे करके भाई भाई आपका शायरी इतना अच्छा लगता है ना मेरे को कि क्या बोलो भाई, इन टाइम टूट जाएगा नहीं भाई, इनका शायरी वीडियो इतना झम रहता है ना भाई, टॉप लेवल सीतापुर ब्लॉक में टॉप। आप लोग देख ही सकते हो पूरा पार्टी चल रहा है, हाँ जो भी भाई। तो दोस्तों बाकी लोग नहीं आ पाए तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। तो सागर बाकी लोग नहीं आए उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जो लोग नहीं आए उन्होंने जो है अपना कीमती समय जो भी है मिस किया है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने भाई उसको मिस नहीं किया। तो बाकी हम लोग आते तो बहुत अच्छा रहता ना, लोग देख सकते हो इधर पूरा इधर सिम सुप्रीत पूरा मजा के साथ दोस्तों खा रहे हैं अपना, हाँ हाँ पूरा। तो सागर एक बार बता दो क्षितिज का बनाया हुआ अंडा आपको कैसे लग रहा है? क्षितिज का अंडा मानो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्ट है ना, क्या बनाते हैं क्षितिज? लग रहा है उतना तारीफ नहीं करूंगा क्षितिज। नहीं भाई तारीफ करो यार, आज तो तारीफ करो, क्लासमेट टाइम में इतना बेइज्जती करते थे इनका आपको पता ही है, आज तो तारीफ कर दो यार। वाकई बहुत अच्छा खाना बना है, सब्जी तो उससे भी लाजवाब है, आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों क्या सब्जी बनाया है, अंडा खा के बताता हूँ। वो भाई गजब गजब फेल दिस मोमेंट भरत कुछ बोल दो भाई, सब्जी कैसे बनाया, टेस्ट कैसे है? क्या क्या बहुत अच्छा बनाया, गुड 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 गुड। अब कुछ बोलना चाहोगे क्षितिज के बारे में जो कि इतना टेस्ट बनाया है उनके लिए कुछ? ये इनका प्रोफेशनल है इसलिए बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ हाँ क्या के खुद का बिरयानी सेंटर भी है ना, इसीलिए एकदम प्रोफेशनल हार्ड कुकिंग। आपका अनुभव आपका बताया जाए, सब ठीक बना ले ले, हाँ ठीक है भाई, ठीक नहीं रहेगा क्या है? लो जी अंडा बना बताओ जी क्षितिज बोलो सर, क्षितिज गुप्ता जी बहुत मस्त बहुत अच्छा बना है भाई, तुम ही बनाया भाई, पूरे मजा ले रहे पूरा देख सकते हो दोस्तों। और इधर बाकी तो मीटअप में आने के बाद में दोस्तों बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप लोग देख सकते हो उधर सुप्रीत काफी एंजॉयमेंट के साथ अकेले में मस्त नहीं गाना सुन के बूफर में दोस्तों मस्त सॉन्ग का मस्त मजा ले ही रहे हैं, प्लस में क्या है क्षितिज जो कुकिंग अंडा बनाया है दोस्तों उनका भी भयानक मजा ले रहे हैं। तो क्या बोलना चाहोगे अंडा के बारे में? क्या भाई गजब गजब, एक बार स्माइल गुड गजब भाई। अब अंडा बैलर है मुर्गी, किसका अंडा है भाई? वो तो क्षितिज जानेगा ना, वही लेके आया है, किसका अंडा है क्षितिज? बैलर का अंडा है, अरे भाई सब गजब यार, लेकिन बनाया गजब हो यार, सबकी क्या है अफी का तारीफ कर रहे हैं क्या बनाया हो अंडा इसे करके क्या बिरयानी। तो भाई अब पारी आता है हमारे शायर का, जो कि इनसे जानना चाहेंगे क्षितिज के कुकिंग के बारे में।
सभी लोग तो बता दिए कि कैसा लग रहा है, बट इतना आप चाह कर भी इतना अच्छा खा नहीं पाएंगे जब तक वो उसके पास आएंगे नहीं। अब स्वाद को मैं कैसे बताऊं, बयान नहीं कर सकता। गुड 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 गुड। तो आप भी बहुत ही स्वादिष्ट है, अब तो तारीफ नहीं कर सकता। तो सिमोन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि क्या है अपन का भैया नहीं आया, जैसे कि हम रहने को अपन का क्लासमेट है लेकिन मैं उनको हमेशा भैया का दर्जा देके हर किसी बात पे उनको मैं बोलता था, तो वो इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाया, उनको क्या है मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आप राकेश भैया के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अरे वो रहते तो एक अलग ही माहौल बन जाता, वो रहते हैं ग्रुप में तो सबसे डिफरेंट माहौल बन जाता है, वो सबको मजा दिलाते हैं। फिलहाल अभी वो आ ही जाते लेकिन वो क्या है कि वो आज अंबिकापुर में है तो इस कारण वो आ नहीं सके। तो उनका उनके साथ रहना, उनसे उनके माहौल में रहना एक अलग ही अंदाज, वो अलग ही माहौल ही अलग बना देते हैं। तो सबसे डिफरेंट है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो राकेश के बारे में क्या है, सिमोन बहुत कुछ अपना फीलिंग को बता रहे हैं उनके प्रति। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा बहुत राकेश के प्रति बोलना चाहता हूं दोस्तों, हालांकि अभी अपन के साथ अभी मीटअप में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो मैं राकेश भैया को अभी बहुत मिस कर रहा हूं दोस्तों, जो कि क्या है दोस्तों हम लोग पूरा खाना उन्हें एकदम इंजॉयमेंट से खाना अपन खा लिए, और अभी दोस्तों क्या है बर्तन मांजने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो क्या है बर्तन भी मांजना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सागर गाना बजाओ भाई जल्दी से, मजा आ रहा है ना सागर? ओए टेल मी। हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है ना भाई? जाना किधर है? इधर इधर किधर जाए? मेरे को भी नहीं पता। इधर चलते, इधर 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 इधर। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है सागर। तो क्या है बाकी जो हमारे गर्ल्स लोग भी थे क्लासमेट में, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मिस करते हो नहीं करते हो क्लासमेट टाइम का उन यादों को? यादों को तो मिस करते हैं, बाकी लड़कियों को नहीं करते। अरे भाई गजब यार, कर लेना यार, मैं तो बहुत मिस करता हूँ लड़कियों को। कर लो हाँ? पर हमें नहीं करना क्योंकि बाकी उन्होंने जो है मिस किया पलों को, हम बाकी नहीं करेंगे मिस, हम खुल के जियेंगे और आपको भी खुल के जीने के लिए कहना चाहेंगे बस। भाई मिस नहीं करोगे यार गजब, ये हद की बात है यार, आपको मिस करना चाहिए ना सागर। नहीं मिस उन्हें किया जाता है जो क्या बोलूं, चलो छोड़ो। बोलो ना बोलो ना। नहीं, नहीं नहीं। तो सागर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ दोस्त, आपको सबसे ज़्यादा मैडम में और सर में सबसे ज़्यादा आप किस मैडम सर को मिस करते हो? सबसे ज़्यादा मैं जांगड़े सर और दीपा मैम को मिस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है पढ़ाई के साथ साथ जीवन में क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए वो सभी मोटिवेशन वगैरह देते थे और काफ़ी उत्साहित करते थे हम सभी को इसीलिए। और दोस्तों देख सकते हैं आप सभी, हमारा जो दोस्त माइकल है बर्तन साफ करते हुए, काफ़ी अच्छा बर्तन साफ करता है, तो मैं चाहता हूँ कि बर्तनों को ये चमका दे। आपको क्या लगता है बर्तन को चमका पाएगा? भाई पूरा कोशिश रहेगा कि मैं अच्छे से साफ कर लूं, बाकी घर पे तो साफ नहीं करता। कॉल आ रहा है आपके हीरो? हाँ हाँ कॉल आ रहा है। तो सभी लोग क्या है खाना खा लिए और अभी अपन जाने का प्लानिंग बना रहे हैं। तो सागर भरत बहुत स्मार्ट भाई गजब यार, अभी अभी मैं नहीं पकड़ूंगा, कैमरा कौन पकड़ेगा? ओह माय गॉड एवरीवन सी दिया साइड। ओह भाई सिमोन क्षितिज तेरा हटा ना थोड़ा सा, फोटो तो खींचने दे मेरे को, मेरा हाथ ही मेरा चल मजा आ रहा है पूरे से। हे गाइस मैं सागर नायक माइकल का दोस्त, चैनल तो देखते ही होंगे, तो इनके यूट्यूब चैनल को काफ़ी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और जितना हो सके वायरल कर दो, पूरा यूट्यूब को बवाल मचा दो। तो हम आज हम लोगों ने जैसे किया यार 5 12 से आज हम लोग फाइनल पहुँच गए, लगभग कितना साल 3 साल हो गया, 3 साल के बाद हम लोग दोस्त में आज मिले। ट्वेल्थ में तो इसे हर पल माहौल में रहते थे लेकिन आज मिले तो अद्भुत गजब कम तो यादगार पल। तो दोस्तों मैं क्या है सभी दोस्तों को, दोस्तों जितने भी मेरे क्लासमेट, आपका इंस्पिरेशन थोड़ा दिखना चाहिए हमारे माइकल भाई, इसी का चैनल को हम सपोर्ट करने के लिए ठीक है भाई ठीक है।
तो दोस्तों मैं सभी दोस्तों को दोस्तों दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। क्या है जो पल था दोस्तों, जो कि क्या है अपन लोग क्लासमेट में एकदम लड़ाई करते थे दोस्तों, मतलब मेरा उस सागर का तो जमता ही नहीं था, मैं इनको बहुत कुछ कुछ बोलता था दोस्तों, और सागर भी मेरे को बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन दोस्तों एक टाइम होता है ना मजा करने का, लेकिन क्या है मजे से निकल के ना बस यादें ही रह जाती हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे हर बार की तरह। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बने रहिए आपके ही अपने चैनल MMM3 मोटर बाइक पे दोस्तों।